देर पहले हमसे जागृति एक सवाल पूछना चाहती, तो देखते हैं कि जागृति का सवाल क्या है। पूछिए। आपको पता है कि मैं किसकी फोटोकॉपी हूँ? फोटोकॉपी? आप किसकी फोटोकॉपी हैं? पूनम ढिल्लों। पूनम ढिल्लों जी की फोटोकॉपी हैं आप? ये किसने बताया आपको? शायद ये मेरी मम्मा ने बताया था। आपकी मम्मा कैसे दिखती है? हेमा मालिनी की तरह? वो किसी की तरह नहीं दिखती। हमने सुना है कि आपको आपके मम्मा मैंने कि आपके मम्मी के हाथ का बनाया हुआ खाना बहुत पसंद है। अच्छा होता है। क्या क्या अच्छा पकाती हैं? आपकी मम्मी कहीं ऐसे नागिन म्यूजिक पे तो खाना नहीं बनाती? तो मम्मी खाना बनाती और बैकग्राउंड में ऐसे तो थोड़ी आ करती। सबसे अच्छी तो वो रोटी अच्छी से बनाती। आप मेरी मम्मी खाना बहुत अच्छा बनाती है। मेरी मम्मी खाना बहुत अच्छा बनाती है। सबसे अच्छा वो रोटी बनाती है। आपको आलू की सब्जी बहुत पसंद है ना? इतनी अच्छी क्यों लगती है आपको आलू की सब्जी? उसके ना आलू होते हैं। आलू की सब्जी इसलिए पसंद है क्योंकि आलू के सब्जी में आलू होता है। आलू की सब्जी में आलू नहीं तो क्या बैंगन होगा? बैंगन की सब्जी बनाएंगे और उसको कहेंगे ये आलू की सब्जी, इसमें बैंगन है। जागृति, हमने सुना है कि एक बार आप अपने परिवार के साथ कहीं बाहर खाने के लिए गई थी और आपको वहां का खाना पसंद नहीं आया, सही है ये बात? यस। तो क्या किया था आपने? फिर मैंने सुंगा कि इसके लिए तो बास आ रही है। बास आ रही है। फिर आपने कैसे मुंह बनाया? इच्छी। ठीक। फिर क्या किया आप? फिर मैंने मैंने बोला वेटर भैया। तो आ गए, सेवक आ गए। फिर क्या किया आप? फिर मैंने बोला भैया अगर आपको खाना बना दे आता तो आप मम्मा से सीखो ना। तो उन्होंने नहीं बोला मम्मा से सीखेंगे पहले नागिन गाना लगाओ? ऐसे नहीं कहा। जसलीन, आप बताइए आपको और क्या अच्छा लगता है? राजमा चावल, पनीर। और क्या अच्छा लगता है? रोटी। रोटी? आपको खाने में रोटी अच्छी लगती है? छोड़िए, आप चलचित्र देखते हैं। आपके सबसे प्रिय अभिनेता कौन है? शाहिद कपूर। शाहिद कपूर की तरह अभिनय कर सकते हैं? आप किसकी तरह नाच सकते हैं? सनी देओल। शाहिद कपूर की तरह अभिनय कर सकते हैं और सनी देओल की तरह नाच सकते हैं, अद्भुत। ये आपको लगता नहीं ये ऐसे उल्टा होना चाहिए? चलिए छोड़िए, यहाँ आइए, आप यहाँ पर खड़े रहिए। अब आप हैं शाहिद कपूर, वहां देखिए और शाहिद कपूर की तरह अभिनय करके बताइए। हम यहाँ बैठकर आपको देखते हैं। मेरी जिंदगी में सिर्फ दो चीजें, एक प्यार प्यार प्यार, दूसरी मार मार। ये मार मार मार, ऐसा क्यों? पहले तीन बार प्यार करो फिर तीन बार मारो। जिससे प्यार करते हो उसको एक तीन बार पप्पी दो और तीन बार मारो। क्या है? एक बार हम साथ में बोलेंगे, एक दो तीन। मेरी जिंदगी में सिर्फ दो चीजें, एक प्यार प्यार प्यार, दूसरा मार मार। आप शाहिद कपूर के लिए डांस भी कर सकते हैं? सनी देओल की तरह। सनी देओल की तरह डांस करने की हिम्मत सिर्फ आप ही कर सकते हैं। चलिए हमें दिखाइए कि आप सनी देओल की तरह अभिनय कैसे कर सकते हैं। एक दो तीन। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। कौन सी तारीख? अरे क्या हो गया, तारीख नहीं मिली? चलिए आपको आपकी जगह फिर बिठाते। बहुत कमाल का था आपका अभिनय और नृत्य। आपको मैं एक जोक सुना सकता हूँ? चलिए सुनाइए। 100 डंकीज थे, 100 गधे थे, उसमें से एक मेन था। उसमें से एक तुम थे? एक मेन था। मेन? 100 गधे थे उसमें से एक मेन था। हमें लगा 100 गधे थे उसमें से एक मैं था। हाँ ठीक है। उसमें से एक जा रहा था, वो एकदम फर्स्ट आ था। तो जाते जाते क्या हुआ, उसको एक वैट दिखी, वो वैट में जाके गिर गया। तो पीछे कितने बचे? अगर 100 में से एक गाड़ी के अंदर जाकर गिर गया तो बाहर 99 बचे। कितने बचे? 0।
पर 100 गधे थे ना, तो अगर एक अंदर जाकर गिर गया तो 99 बचे, शून्य कैसे हुआ? क्योंकि सारे गधे भी तो गिर गए थे ना, और बचा क्या बाबा जी का टुल्लू। चलिए अब हम आपसे एक सवाल पूछते हैं। सोचिए जसलीन के हमने आपको 100 मुद्राएं दी, उसमें से 50 हमने आपसे वापस ले ली, तो आपके पास कितने बचेंगे? फिर एक बार सुनिए, हमने आपको 100 मुद्राएं दी, आपसे 50 वापस ले लिए, तो आपके पास कितने बचेंगे? वो कैसे? हम आपको 50 वापस नहीं देंगे। अद्भुत अद्भुत अप्रतिम गणित है आपका। चलिए राधिका के पास चलते हैं, माते हम आपके पास वापस आएंगे, पहले राधिका से बात करने दीजिए हमें। राधिका तो ये बताइए कि आपके घर में सबसे ऊंची आवाज में कौन बोलता है? मेरा भाई। कितने बड़े हैं आपके भाई आपसे? 3 महीने छोटे हैं। 3 महीने का है वो। 3 महीने छोटे कैसे हो सकते हैं आपसे आपके भाई? 3 महीने का है। 3 महीने के हैं वही। ये बताइए कि 3 महीने का और ऊंची आवाज में बात करता है, जैसे ऐसे 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 क्यों चिल्लाता है? आप कहीं उसे जाकर चूटी तो नहीं काटती आज से? मम्मी मम्मी पापा कोई आसपास नहीं छूटे भाई? हाँ अकेले में जाकर चूटी तो नहीं काटती, क्यों चिल्लाता है? आ आ मैं आप बहुत प्यार करती हैं अपने छोटे भाई से। तो राधिका आपको चलचित्र बनाना बड़ा अच्छा लगता है ना? आप किसी का भी चित्र बना सकती हैं? सबका नहीं। जसलीन का चित्र बना सकती हैं? नहीं। क्यों? आता नहीं है। उसे अपना चित्र बनाने आता है? आप पूछे। तुझे अपना चित्र बनाना आता है? नहीं। क्यों? आता है तुझे? फिर ये आपकी दोस्त नहीं है? आपको राधिका पसंद नहीं है? आपको जसलीन पसंद है? ये प्यारी लड़की है। जसलीन को जागृति बहुत पसंद है, लेकिन जसलीन को राधिका बिल्कुल पसंद नहीं। ऐसा क्यों जानेंगे कुछ ही देर में। आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए हाजिर जवाब छोटा बीरबल।